चलिए देखते हैं भाई हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पिछले लेक्चर से जो बचा था हमारा, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो बची थी प्रॉपर्टी हमारी क्या था, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या था, जैसे हमारे पास है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखें कैसे, होल स्क्वायर इसका मतलब है कि टू टाइम्स ये मल्टीप्लीकेशन में आया, टू टाइम्स मीन्स कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इसके बाद a का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, करके देखते हैं, a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसके बाद ए बी और फिर b के साथ होगा तो बी ए आएगा प्लस का बी स्क्वायर, क्या आएगा बी स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्यों नहीं ओपन कर दिया, क्योंकि हम लोग यहां पर मैट्रिक्स को हम लोग ओपन कर रहे हैं, मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स के होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सेम टू सेम ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यह पता है कि अगर ए और बी दोनों कम्यूट कर रही हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं यहां पे कि वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी है दोनों ही क्या हो रहे हैं यहां पर, कम्यूट हो रही हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हैं, तो ही हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है भाई, यहां पर अगर हम लोग इसी में नोट में और लिख लें एक चीज को, कि जैसे हमारे पास आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये दे रखा है हमारे पास कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पॉसिबल कब है ना, तो यहां पर भी हम लोग यही कहेंगे कि ये तभी हमारा पॉसिबल होगा जब ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा बेटा। ओके, बात समझ आ गई भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। आगे हम लोग कुछ नोट्स में लिखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमारी कोई भी पावर जो लगाते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी पावर लगा दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, नोट में आते हैं भाई हम लोग, कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है, सपोज करते हैं कि लेट एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो एक डायगनल मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ए वन ए टू एंड ए थ्री। याद रखना कि डायगनल लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ए वन ए टू को हम लोग कामा से अलग करेंगे। ठीक है, ये जो ए वन ए टू है वो मेन डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, एंड बी इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स बी वन बी टू एंड बी थ्री। देन अगर तुमसे ये कहता है कोई कि ए बी बताइए कि ए बी क्या होगा, डायरेक्टली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, अगर तुमसे पूछता है कोई ए बी बताओ तो ए बी हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा लिख देंगे कि डायगनल मैट्रिक्स ऑफ इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, डायगनल के मेन डायगनल के या लीडिंग डायगनल के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मीन्स हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ए वन बी वन कामा ए टू बी टू ए थ्री एंड बी थ्री। ठीक है, चाहो तो इसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख करके देख सकते हैं, है ना, तो लिख देते हैं भाई हम लोग। किसने हमारे पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है कि A1 जीरो 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 A2 जीरो 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 A3, और एक हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है B है B1 जीरो 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 B2 जीरो जीरो जीरो, ये आएगा आपका B3। अब तुमसे अगर कहे कोई निकालने के लिए कि ए बी बोलो क्या होगा, तो ए बी हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि ए वन
जीरो 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 ए टू जीरो 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 ए थ्री मल्टीप्लाई बी वन जीरो 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 बी टू जीरो एंड जीरो जीरो बी थ्री। इसी को हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे लिख करके कि ए वन बी वन जीरो 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 ए टू बी टू जीरो 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 ए थ्री बी थ्री। आप लोग चेक कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके, आपके पास यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स आती हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके जो मेन डायगोनल के या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके मेन डायगोनल में रख देंगे। ठीक है, आगे चलें भाई। इसी में नोट टू देखते हैं हम लोग। लेट करते हैं ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ए वन ए टू एंड ए थ्री। मीन्स अगर आपसे कोई कहता है ए रेज टू एन बताना है तो इसको भी निकालना आसानी है। ठीक है ना, लिखेंगे डायगोनल और हर एक मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या लगा देंगे हम लोग, पावर को एन कर देंगे। ओके, ये कुछ नोट्स थे आपके पास प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग एक नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देखो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग उसका टू टाइम्स उसी के साथ कर लेते हैं या a इंटू ए कर दें। मीन्स हमें निकालना क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ए आई जे एन क्रॉस n, ठीक है, तो a इक्वल टू हमारे पास ए आई जे एन क्रॉस n है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो a है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्या लिख दो कि बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है ये। अगर तुमसे कोई यहाँ पर ये पूछता है कि ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, ए की पावर फोर निकालिए, तो यही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है आपके पास मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए है। ए क्यूब निकालना है तो ए इंटू ए है आपके पास। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो ए रेज टू वन क्या होगा हमारे पास, ए के इक्वल आएगा। ए रेज टू टू मीन्स ए इंटू ए हो जाएगा। ए रेज टू थ्री जो होगा हमारे पास वो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि a रेज टू फोर की अगर बात करें तो ये होगा हमारे पास a रेज टू थ्री इंटू ए हो जाएगा। एंड डॉट डॉट की अगर बात करते हैं a रेज टू ए एन प्लस वन अगर देखा जाए तो ये आएगा a रेज टू एन इंटू ए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग आगे। इसी में क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं ना, If a इक्वल टू कह रहा है कि जीरो वन वन जीरो, ठीक है, देन a रेज टू फोर फाइंड करना है हमें। ठीक, a रेज टू फोर हमें यहाँ पर निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास a जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर कितना है हमारा, टू है। कितना है आर्डर, टू है। तो अगर हमें यहाँ पर ए की पावर फोर पहुँचना है, ए की पावर फोर तक जाना है, तो इसका मतलब हमें स्क्वायर पता होना चाहिए और हमें क्यूब पता होना चाहिए।
कि स्क्वायर क्या निकल के आएगा हमारे पास और क्यूब क्या निकल के आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं ए स्क्वायर, निकालिए ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास ए इंटू ए। इसका मतलब है कि 0 1 1 0, ठीक है 0 1 1 0। अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या आता है 1 0 0 1 आएगा। करके देखते हैं, 0 के साथ 1 हो गया हमारे पास 0 इंटू 0, और सॉरी कॉलम रो का हम अगर कॉलम के साथ करते हैं तो 0 इंटू 0 या 1+1 इंटू 1, या चाहो तो हम लोग यहाँ पर इस कॉलम का रो के साथ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस रो का भी हम लोग इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर जब इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और जब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब जो ए स्क्वायर है हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका आर्डर कितना है 2 है। अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ए क्यूब निकालने की, तो ए क्यूब का मतलब होता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर पहले रखेंगे, मीन्स 1 0 0 1, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कि 0 1 1 0। अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 1 1 0, मीन्स हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। करके देख लीजिए भाई, 1 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ 0 हो गया हमारे पास, 1 का 1 के साथ और 0 का 0 के साथ यहाँ पर 1 आ गया। जब इस रो का हम लोग कॉलम के साथ करेंगे तो 0+1 1 हो जाएगा, और 0+0 0 हो जाएगा, है ना। अब यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग ए रेज टू 4 निकाल लेते हैं, है ना, ए रेज टू 4 निकालें तो ए रेज टू 4 का मतलब कितना है, ए क्यूब इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 0 आया है, और ए तो हमें पता है कि 0 1 1 0 अभी हम लोगों ने इनका किया है, तो इसका जो आता है वो क्या आता है हमारे पास 0 1 और 1। इसका मतलब क्या है, देखो ए की पावर 4 कितना है हमारे पास, आइडेंटिटी आई, ए स्क्वायर था तब भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी, ए की पावर 4 है तब भी हमें क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। जब हमारे पास पावर 1 थी तो हमारे पास एक जो सिंगल हमारे पास मैट्रिक्स थी वो ये थी, जब क्यूब निकाला तो हमारे पास फिर से वही मैट्रिक्स आई। इसका मतलब है कि अगर पावर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर पावर हमारे पास कितनी है, इवन है, तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका आर्डर कितना होगा 2 होगा। अगर तुमसे यहाँ पे कहता है कि ए रेज टू 98 बोलो तो कितना बोलेंगे हम लोग, 1 0 0 1, चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो 98 है पावर वो कैसी है, एक इवेन नंबर है, इवेन नंबर पे क्या दे देगा हमें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगी, क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा आपका। अगर तुमसे कहता है कि ए रेज टू 103 अगर पूछे तो क्या बोलोगे, वही मैट्रिक्स होगी आपके पास। इस तरीके से हम लोग इसको आगे भी देख सकते हैं, ठीक है, आगे चलें भाई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग, आगे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इफ आई इक्वल टू 1 0 0 1 कामा जे इक्वल टू 0 1 -1 0 एंड बी इक्वल टू हमारे पास है कि कॉज थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ये कॉज थीटा, ठीक है, देन बी इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है, पहला हमारे पास है कि आई कॉज थीटा प्लस जे साइन थीटा, ऑप्शन बी है हमारे पास आई कॉज थीटा माइनस का जे साइन थीटा, ऑप्शन सी है जे कॉज थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऑप्शन डी है हमारे पास जे कॉज थीटा माइनस का आई साइन थीटा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है,
चलिए भाई एक मिनट का टाइम है, आप लोग करिए। स्टार्ट करें भी बात करते हैं। यहाँ पर देखते कह रहा है कि आपको लेट करके दिया गया है कि i इक्वल टू हमारे पास कितना है 1001, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका आर्डर हमारे पास 2 है, एक दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास j है 01-10, ठीक है, और एक हमारे पास दे रखा है उसी को b को ही हमें क्या करना है यहाँ पर एक्सपेंड करना है i और j के फॉर्म में, b को हमें तोड़ना है या एक्सपेंड करना है i और j के टर्म में, हमें क्या करना है ओपन कर देना है बस। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो b इक्वल टू जो दिख रहा है हमारे पास b इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा, यहां पे आएगा हमारे पास cos थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं कि यहां पे हमारे पास 1 1 दे रखा है, तो एक काम करो यहां पे एक में हम लोग लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स में लिखते हैं cos cos और बाकी को अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बैक कर सकते हैं कि cos थीटा 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देते हैं और sin थीटा माइनस का sin थीटा 0 कर देते हैं। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं cos थीटा तो हमारे पास आएगा 1001 प्लस, अगर यहाँ पे अगर हम लोग sin थीटा कॉमन लेते हैं तो 01 और -1 0 आएगा, आया ना। तो हम लोग जाना कैसे करना है, देखो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे हमें क्या लाना है माइनस का 1 लाना है। तो एक काम करते हैं जो मेन डायगनल है उसको अलग कर लेते हैं, जो ऑफ डायगनल है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं और फिर वहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ऐसा कुछ हमें ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कॉज थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 करेक्ट है यहाँ पर।